माँ बनने वाली है। क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। जी चलिए। शुक्रिया। पता है वशमा, और निशाना ना बिल्कुल सही जगह जाकर लगा है। मोहन चाचा के दिल में ना मैंने तेरा डर पैदा कर दिया, अब बस उसी डर का पीछा करते करते वो आएंगे और मैं उनसे सारे सच उगलवा लूंगा। तू परेशान ना होए, बहुत जल्द हमें हमारा कबीर मिल जाएगा। ये बंदूक नकली ही सही, लेकिन मोहन चाचा से सच निकलवाने के लिए काफी है। मुझे पूरा यकीन है आप जरूर आएंगे चाचा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर? वशमा कैसी है? सोचा चलकर देख लूं एक बार। वो क्या है कि दरअसल आज इत्तफाक से मोहन प्रताप जी मुझे मेरे हॉस्पिटल के बाहर मिल गए। उन्हें वशमा की बहुत चिंता थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं कल ही वशमा को देख कर आया हूँ, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। लेकिन उन्हें तो वशमा की बहुत ज्यादा फिक्र थी, बोले नहीं, और मुझे बोले कि आज फिर तुम वशमा को देख कर आओ और मुझे बताओ कि उसके जल्दी होश में आने के आसार हैं कि नहीं। भाई, तुम्हारी बीवी होश में आ जाएगी तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी बहुत खुशी होगी, इसलिए फटाफट डॉक्टर साहब को ले आए ताकि तुम्हारे सच और तुम्हारी बीवी दोनों की जांच हो सके। डॉक्टर साहब जरा जाइए और देखिए मरीज की क्या हालत है। जाइए जी। फिक्र मत करो उधर, आज के डॉक्टर साहब की फीस हम देंगे। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। वशमा की हालत ठीक नहीं है, उसकी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है।
उदय, तुम्हारी बात सुनकर तो हम इतना खुश हो गए थे कि हमने तो जश्न की तैयारी कर दी थी। घबराइए मत आप चाचा, जश्न होगा, बड़ा जश्न होगा, धमाकेदार जश्न होगा, और उस जश्न में मैं आऊंगा, मेरी पत्नी आएगी और आएगा मेरा बच्चा, मेरा कबीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.